पुलिस अधीक्षक ने अपने विभाग की ओर से आज नया प्रयोग करते हुए जिले के सभी थानों पर तैनात महिला अधिकारी पुलिस कर्मियों को यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए चेकिंग प्वाइंट लगाने के निर्देश दिए। एसएसपी के निर्देशों के बाद आज जिले के सभी थाना क्षेत्र में महिला अधिकारी एवं महिला पुलिसकर्मियों ने प्वाइंट लगाकर चेकिंग की। जिले भर में 7-7 पोहरी में चेकिंग का ये सिलसिला दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ, जो दोपहर 4 बजे तक चलता रहा। इस दौरान महिला अधिकारी थाना प्रभारी बलविंदर ढिल्लन ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को समझाइश दी तो कईयों के चालान काटे। साथ ही यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। गौरतलब है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसी उपलक्ष्य पर महिलाओं के सम्मान में एसएसपी राजेश सिंह चंदेल महिला अधिकारियों सहित महिला पुलिसकर्मियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। राजेश सिंह चंदेल की इस पहल की लोग सराहना भी कर रहे हैं। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस महानिदेशक के निर्देश थे मैम कि आज ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्थाएं संभालेंगी, उसी के मद्देनजर आज चेकिंग प्वाइंट लगाया। क्या कुछ आपके द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? के मार्गदर्शन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आज महिला दिवस पर ट्रैफिक व्यवस्थाओं का जो सुचारू रूप से चलाने का कार्य महिलाओं को सौंप दिया गया है, जिसके तहत हमारे द्वारा चेकिंग लगाई जा रही है और ये संदेश दिया जा रहा है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन किया जाए।